दिस इज 92.7 बिग एफएम। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं अनु कपूर हाजिर हूं आपका हम सफर बनकर, आपके साथ चलने के लिए आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अनु कपूर। आज जो अफसाने आपके लिए लाया हूं वो कुछ इस प्रकार हैं। फिल्म याराना के एक गीत में कुछ देर के बाद हीरोइन नीतू सिंह दिखती ही नहीं है, क्यों? दूसरे नंबर पर शक्ति सामंत को अपनी पहली होम प्रोडक्शन फिल्म का आइडिया कब और कैसे आया? टर्की में शूटिंग करते हुए फिल्मी हीरो ने सचमुच किसी की जान बचा ली? फिर दिल ने फिर याद किया, आज दिल याद करेगा प्रसिद्ध गायिका सिंगर जिनको इंडियन मैडोना भी कहा जाता है, यानी कि अलीशा चिनॉय को। और फिर रिश्ता पक्का है फैमिली कनेक्शन में बताएंगे कि क्या फैमिली कनेक्शन है शशि कपूर और बिमल रॉय के बीच। और अंत में मुंबई के हमारे श्रोता सत्या सिन्हा का प्रश्न और मेरा प्रयास उत्तर देने का। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज के सफर की इस खूबसूरत गीत के साथ। कलकत्ता के नेताजी सुभाष स्टेडियम में फिल्म याराना के गाने की शूटिंग चल रही थी। बोल थे, सारा जमाना हसीनों का दीवाना। ये सॉन्ग पिक्चराइज्ड है अमिताभ बच्चन और नीतू सिंह पर। गाने का मुखड़ा और पहला अंतरा शूट हो पाया था कि बहुत भीड़ के कारण शूटिंग कैंसिल करनी पड़ी। मुश्किल सॉल्व करने के लिए डिसाइड हुआ कि नाइट में गाना शूट करेंगे, लेकिन नाइट शूटिंग शुरू होने से पहले ही हीरोइन नीतू सिंह ने रोना शुरू कर दिया। हीरो अमिताभ बच्चन ने कारण पूछा रोने का, तो पता चला कि हाल ही में ऋषि कपूर के साथ इनकी सगाई हुई थी और वो ऋषि कपूर को बहुत मिस कर रही हैं। दोनों बात भी नहीं कर पा रहे हैं, मोबाइल नहीं हुआ करता था उन दिनों, और इत्तेफाक से लैंडलाइंस बहुत खराब चल रही थी। नीतू ने कहा कि वो ऋषि से मिलने जाना चाहती हैं, रह नहीं सकती हैं। फिल्म के प्रोड्यूसर हबीब नडियाडवाला अमिताभ बच्चन के दोस्त थे। उन्होंने प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट की, डायरेक्ट जाके बोला कि बाकी के गाने में आप फिक्र ना करें, वो अकेले ही मैनेज कर लेंगे। अगर आप माने तो बस आप नीतू को बॉम्बे जाने दें, वहां का टिकट करवा दें। प्रोड्यूसर ने सुपरस्टार की बात का मान रखते हुए नीतू के बॉम्बे वापस लौटने की व्यवस्था करवा दी और नाइट शूटिंग में रिमेनिंग सॉन्ग को अकेले अमिताभ बच्चन पर ही शूट कर लिया गया। अब आप इस गाने को गौर से देखिएगा। गौर से देखने के बाद आप पाएंगे कि पहले अंतरे तक तो नीतू सिंह डांस करती दिखाई देती हैं, लेकिन दूसरे स्टैंजा में नीतू सिंह बिल्कुल गायब है। बात 1957 की है जब शक्ति सामंत ने खरीदी थी नई नई कार, खुद ही ड्राइव करते थे। एक दिन तेज स्पीड की वजह से शक्ति सामंत का एक्सीडेंट हो गया। इस एक्सीडेंट में उनकी पसलियों में बहुत चोट आ गई। शक्ति सामंत को इलाज के दौरान करीब 2 हफ्ते तक हॉस्पिटल में भर्ती रहना पड़ा। इलाज के दौरान उन्हें बात करने तक की मनाही थी जिससे उनके शरीर पर स्ट्रेन न पड़े। बिल्कुल सेलेक्टेड लोग थे जिनको उनसे मिलने जुलने की परमिशन मिली हुई थी। ऐसे में अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए और किसी तरह से समय कट जाए, शक्ति सामंत ने नए नए आइडियाज पर सोच करना शुरू कर दिया। सोचते सोचते एक आइडिया उन्हें क्लिक कर गया। शक्ति सामंत को लगा कि यह उनकी अगली फिल्म का सब्जेक्ट हो सकता है। उन्होंने ये आइडिया अपने राइटर दोस्त जो उनसे मिलने आए थे रंजन बोस को बताया और कहा, इस सब्जेक्ट को, इस आइडिया को डेवलप करो, मैं इस पर फिल्म बनाना चाहता हूं। ऐसा ही हुआ। रंजन बोस ने स्क्रीन प्ले लिखा और एक ढांचा बनाकर, एक फ्रेमवर्क बनाकर शक्ति सामंत को सुनाया। शक्ति सामंत को बहुत पसंद आ गया और उन्होंने निर्णय ले लिया कि इस फिल्म से ही वो अपने प्रोडक्शन की शुरुआत करेंगे। और ऐसा ही हुआ। उन्होंने फिल्म बनाई, रिलीज की और हो गई वो फिल्म सुपर डुपर हिट फिल्म, स्टारिंग अशोक कुमार और मधुबाला। फिल्म का नाम वही फेमस फिल्म हावड़ा ब्रिज। टर्की में अनातोलिया के सी बीच पर
जोया अख्तर की फिल्म की शूटिंग चल रही थी, नाम था दिल धड़कने दो। शूटिंग क्रू में फरहान अख्तर और रणबीर सिंह के हेयर ड्रेसर दर्शन के अलावा क्रू के और भी टेक्नीशियंस मौजूद थे। दिन भर के बाद जब पैकअप हुआ तो क्रू के सभी सदस्य निकल पड़े बीच पर समुद्री लहरों के साथ मौज मस्ती करने। ये मौज मस्ती धूमधड़ाका चल ही रहा था कि तभी एक हादसा होते होते बचा। हेयर ड्रेसर दर्शन ने तैराकी का मजा लेने के लिए जब थोड़ा आगे जाकर डुबकी मारी तो समंदर की लहरों ने उसे किनारे से काफी दूर उछाल दिया। क्रू के एक सदस्य ने यह नजारा देखा तो उसने शोर मचा दिया। ये शोर सुनकर फरहान अख्तर की नजर भी दर्शन पर पड़ी। दर्शन लहरों के बीच जूझ रहा था, डूबता उबरता नजर आ रहा था। फरहान अख्तर ने बिना एक भी मिनट गवाए छलांग लगा दी दरिया के बीच और उछाल मारती लहरों के बीच से दर्शन को बचा कर ले आया। दर्शन बच गया। अपनी सूझबूझ और साहस से फरहान ने एक जान बचा ली। रियल लाइफ के हीरो कभी कभी रियल लाइफ में भी कुछ कर पाते हैं। दिल ने फिर याद किया। आज दिल याद करेगा इंडियन मैडोना के नाम से बुलाई जाने वाली खूबसूरत सिंगर अलीशा चिनॉय को। अलीशा चिनॉय का जन्म 18 मार्च 1965 को अहमदाबाद में हुआ। जन्म के बाद नाम रखा गया सुजाता, मगर बाद में इन्होंने अपने कजन की बेटी अलीशा के नाम पर अपना नाम भी रख लिया। इनके पिता मधुकर चिनॉय क्लासिकल सिंगर हैं। पिताजी अलीशा को क्लासिकल सिंगर ही बनाना चाहते थे, मगर अलीशा तो बचपन से ही पॉप स्टार मैडोना की तरफ आकर्षित हो चुकी थी। वो मैडोना की तरह ही पॉप सिंगर बनना चाहती थी। अलीशा ने अपने सिंगिंग करियर की शुरुआत प्राइवेट एल्बम जादू से की थी। ये 1985 में रिलीज हुआ था। इसके बाद इनके आह, अलीशा, अनलीश्ड जैसे कुछ और एल्बम्स रिलीज हुए। फिल्मों में इन्हें ब्रेक दिया बप्पी लाहिरी ने। फिल्म थी टार्जन। इस फिल्म में अलीशा ने दो गाने गाए थे। आगे भी अलीशा ने बप्पी लाहिरी के म्यूजिक डायरेक्शन में गाने गाए। फिल्में थी नाइंसाफी, कमांडो, शानदार, डांस डांस, लव लव लव, गुरु और घर का चिराग इत्यादि। लेकिन वो कौन सा गीत है जिसने अलीशा को पहचान दिलाई? वो गीत था मिस्टर इंडिया का किशोर कुमार के साथ गाया डुएट, काटे नहीं कटते ये दिन ये रात, कहनी थी तुमसे दिल की बात। रिटन बाय आनंद बख्शी एंड कंपोज्ड बाय लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। अलीशा ने उस दौर में अनु मलिक के लिए भी बेबी बेबी मुझे लोग बोले, सावन का महीना, शादी बिना मुश्किल है जीना, रुक 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 अरे बाबा रुक जैसे हिट गीत गाए। 1995 में रिलीज्ड अलीशा के प्राइवेट एल्बम मेड इन इंडिया के दौरान अलीशा ने अनु मलिक पर गंभीर आरोप लगाए कि उन्हें एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की। मेरे पास डिटेल मौजूद तो नहीं है, लेकिन फिजिकल मोलेस्टेशन के भी कुछ चर्चे गर्म हो गए थे। हालांकि बाद में इसे अपने एल्बम की पब्लिसिटी के लिए एक स्टंट भी बताया गया। वजह चाहे कुछ भी रही हो, लेकिन जब ये एल्बम आया तो बहुत हिट हो गया। सालों बाद अलीशा और अनु मलिक में पैचअप भी हो गया और अलीशा ने एक बार फिर अनु मलिक के लिए फिल्म इश्क विश्क में चोट दिल पे लगी जैसे हिट नंबर के अलावा मर्डर, फिदा, अगली और पगली जैसी फिल्मों में गीत गाए। 2005 में आई फिल्म बंटी और बबली में शंकर एहसान लॉयट के लिए एक गीत गाया कजरारे कजरारे। इस गीत ने एक बार फिर अलीशा को सुर्खियों में ला दिया। उसके बाद तो अलीशा ने नो एंट्री, डॉन, धूम टू, झूम बराबर झूम, अजब प्रेम की गजब कहानी, नमस्ते लंदन इत्यादि फिल्मों में गीत गाए। 2013 में क्रश 3 में भी उन्होंने गाना गाया। सिंगिंग से अलग अलीशा ने टीवी शो बतौर जज भी काम किया। अलीशा ने अपने मैनेजर राजेश झवेरी से 1986 में शादी की, मगर दुर्भाग्यवश 1994 में दोनों अलग हो गए। अलीशा चिनॉय आजकल स्टेज शोज में बिजी रहती हैं। 2015 में अलीशा ने ब्रिटेन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण से पहले अपने प्राइवेट सॉन्ग मेड इन इंडिया को परफॉर्म किया था। अलीशा चिनॉय अगर ये कार्यक्रम सुन रही हों तो हमारे प्रणाम स्वीकार करें। आप दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें, यही प्रार्थना है।
सक्रिय रहें, अच्छा गाना गाते रहें, खुश रहें, आबाद रहें, मुंबई रहें, अलीबाग रहें या अहमदाबाद। वेलकम बैक टू रिश्ता पक्का है फैमिली कनेक्शन। क्या फैमिली कनेक्शन है शशि कपूर का बिमल रॉय के साथ? गौरतलब है, मुलाजा फरमाएं। शशि कपूर और जेनिफर कपूर की बेटी संजना कपूर, संजना कपूर की शादी हुई थी आदित्य भट्टाचार्य के साथ। आदित्य भट्टाचार्य के पिताजी बासु भट्टाचार्य और माताजी रिंकी। रिंकी भट्टाचार्य शादी से पहले थी रिंकी रॉय और इन्हीं रिंकी रॉय के पिता थे ग्रेट बिमल रॉय। तो ये था फैमिली कनेक्शन शशि कपूर और बिमल रॉय के बीच। आज मुंबई के सत्या सिन्हा ने हमसे पूछा है कि सुना है वी शांताराम ने 3 शादियां की थी, क्या ये सही है? सिन्हा साहब, बिल्कुल सही है, आपने बिल्कुल सही सुना है। वी शांताराम ने 3 शादियां की थी। पहली पत्नी थी विमला शांताराम, जिनसे दोनों के एक पुत्री है, नाम है उनका श्रीमती मधुरा जसराज। ये श्रीमती मधुरा जसराज प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित जसराज की धर्मपत्नी है। वी शांताराम की दूसरी शादी हुई एक्ट्रेस जयश्री से 1941 में और इस संबंध से 3 संतानें हुई, श्री किरण चंद्र, राजश्री और सुश्री तेजश्री। तीसरी शादी की उन्होंने अभिनेत्री संध्या से 1956 में। तो ये था स्वर्गीय वी शांताराम की 3 शादियों का थोड़ा सा लेखा जोखा। उम्मीद करता हूं कि आप हमारे जवाब से संतुष्ट होंगे। चलता हूं, फिर मुलाकात होगी उस प्रोग्राम में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अनु कपूर। आप यही प्रेम, यही कृपा, यही मोहब्बत बनाए रखें, दुआओं में याद रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।